नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मोदी जी के अनमोल विचार बताऊंगी। भाग माइनस दो, राजनीति का कोई अंत नहीं होता। मेरे लिए धर्म का मतलब अपने काम के प्रति निष्ठावान और देश के प्रति समर्पण है। एक गरीब परिवार का बेटा भी अपनी बातें कह सकता है और अपने हक के लिए लड़ सकता है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। मैंने चाय बेचा है, देश बेचना कभी नहीं सीखा है। करोड़ों लोगों का यह देश मिला है, कौन कहता है कि मोदी अकेला है। गुजरात का विकास मॉडल देश के विकास विकास का मॉडल हो सकता है। जब कोई कहता है कि पीएम कमजोर है, इसका मतलब यह नहीं है कि लोग उसके शारीरिक क्षमता के बारे में कह रहे हैं, बल्कि पीएम वो पद होता है जिसकी गरिमा कम हो गई है और जिस कार्यालय में बैठता है वो कार्यालय सबसे सशक्त कार्यालय होता है, लेकिन वो कार्यालय की शक्ति खत्म सी हो गई है। हम स्किल्ड इंडिया चाहते हैं। किसी भी लोकतंत्र के लिए राजवंश घातक सिद्ध होता है। आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, मोदी सरकार विरोधी ताकतों का सिर्फ एक ही एजेंडा है, मोदी को रोको। लोकतंत्र में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, बल्कि यहाँ यही प्रतिस्पर्धा होती है कि देश के विकास के लिए कौन अधिक से अधिक अच्छा कार्य कर सकता है। एक गरीब कभी मुफ्त की नहीं खाना चाहता, उसे तो सिर्फ अपने काम के बदले पैसे लेना चाहता है। और इस देश के गरीब में वो ताकत है, यदि उसे काम करने का मौका मिले तो बंजर मिट्टी से भी सोना उगा सकता है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बटन पर दबाए और उसके बाद घंटी के पर दबाए, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। लगातार जो चलते हैं वही मीठा फल पाते हैं। सूरज की अटलता देखो, लगातार गतिशील और निरंतर चलने वाला, कभी नहीं रुकने वाला। इसलिए हमें भी हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। मैं न तो मुफ्त में भोजन दूंगा और न मुफ्त में पानी, बल्कि मैं रोजगार के लिए इतने अवसर लाऊंगा और भारत देश के युवाओं को इतना सक्षम बनाऊंगा कि देश का हर नौजवान अपने स्वाभिमान से अपना पेट भर सकेगा और दूसरों के प्यास बुझा सकेगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए उसका घोषणा पत्र गीता और कुरान की तरह होना चाहिए। हमारा दिमाग कभी मुश्किलें पैदा नहीं करता, हमारी सोच मुश्किलें पैदा करती है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि हम क्या कर रहे हैं? क्या हमने कभी अपने आप से पूछा कि हम जो भी काम कर रहे हैं, क्या वह गरीबों या देश के लिए फायदेमंद है? हम हमेशा यही सोचते हैं कि मैं देश के बारे में क्यों सोचूं। हमारा यही रवैया देश की प्रगति में सबसे बड़ी रुकावट है। हम में से हर एक के पास आग की तरह बढ़ने की शक्ति है, तो क्यों ना हम इस शक्ति का उपयोग करें। मेरा संघर्ष ही जीवन को फाइल में ले जाना है। हमने साथ में आजादी की लड़ाई लड़ी। हमारे पास तब कोई सरकार नहीं थी, मदद के लिए कोई हथियार नहीं थे। हमसे उस समय विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य को बिना किसी सरकार के, बिना किसी हथियार के पराजित किया था। हमने साथ में आजादी की लड़ाई लड़ी। हमारे पास तब कोई सरकार नहीं थी, मदद के लिए कोई हथियार नहीं थे। हमसे उस समय विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य को बिना किसी सरकार के, बिना किसी हथियार के पराजित किया था। पश्चिम में लोगों ने भारतीयों के प्रति एक गलत धारणा बना रखी है, क्योंकि हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम पेड़ों को देवी देवता का नाम देते हैं और फिर भी उन्हें काट देते हैं। इसी तरह हिंदू देवता किसी न किसी जानवर, पक्षी या पेड़ से संबंधित होते हैं। ये हमें उनका सम्मान करना सिखाता हो। मैं खुश हूँ कि मुझे भी उम्मीदों के पैमाने पर आंका गया है, न कि यश अपयश के पैमाने पर। हम किसी व्यक्ति की सनक के हिसाब से सरकार नहीं चलाते। हमारा विकास सुधारों द्वारा संचालित है, हमारे सुधार नीति द्वारा संचालित है और हमारी नीतियाँ लोगों द्वारा संचालित है। समाज की सेवा करने का अवसर मिलना मतलब देश के प्रति अपने कर्ज को चुकाने के बराबर है। हम में से हर एक के पास या तो अच्छे गुण है या बुरे गुण है, लेकिन जिन्होंने अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित किया उन्होंने निश्चित ही सफलता प्राप्त की। दुनिया बदल चुकी है। भारत अब किसी कोने में नहीं बैठा दिखेगा। अब भारत अपना भविष्य निर्मित करेगा। सरकार किसी एक की विशेष पार्टी नहीं होती, बल्कि ये लोकतंत्र में सभी लोगों के लिए होती है। डरते वही हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो अपने भारतवर्ष की छवि के लिए मरता हूँ, इसलिए किसी से नहीं डरता हूँ। धन्यवाद।